हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद रेवन। दोस्तों, आज किस वीडियो में हम जानेंगे कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पोस्टेड है, चाहे वो प्रोबेशनरी पीरियड हो, चाहे उसका प्रोबेशनरी पीरियड कंप्लीट हो गया हो, और उसके बाद यदि वो अनऑथोराइज अब्सेंट पर रहता है, या फिर वह अपने सुपरवाइजर से बिना अथॉरिटी के, सुपरवाइजर की बिना अथॉरिटी के लीव पर रहता है या अब्सेंट पर रहता है विदाउट एनी ड्यू रीजंस, जैसे कि सिक लीव हो गई या उसने प्रायर इंटीमेट कर रखा हो या इन्फॉर्म कर रखा हो डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ने यदि उसकी लीव एक्सेप्ट कर रखी हो, उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ, जब उसकी लीव एक्सेप्ट नहीं होती है, रिजेक्ट हो जाती है लीव एप्लीकेशन, और उसके मेडिकल रीजंस भी नहीं होते हैं या मेडिकल लीव पे भी वो नहीं होता है, या किसी अन्य प्रकार की लीव भी उसने नहीं ले रखी होती है, वो विदाउट एनी ड्यू रीजंस अब्सेंट होता है और अपने डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म नहीं करता है कि वो कहाँ पे है और क्यों नहीं आ रहा है, तो इस केस में कई बार डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो जाती है। जब आपकी लीव 5 दिन से अधिक हो जाती है, जब आपकी अनऑथराइज अब्सेंट 4 या 5 दिन से अधिक हो जाती है, तो आप पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है, चाहे आप रेलवेज में हो, चाहे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में हो, चाहे आर्म फोर्सेस के अंदर हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के किसी कंसर्न डिपार्टमेंट में हो। तो रेलवेज के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है या क्या क्या आपको कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ सकते हैं। यदि आप रेलवेज में पोस्टेड हैं, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे ग्रुप सी हो, चाहे ग्रुप बी हो, कोई भी डिपार्टमेंट में कोई भी डेजिग्नेशन पे आप पोस्टेड हैं और आप अनऑथराइज अब्सेंट पर रहते हैं, तो यदि आपकी अब्सेंट 4 या 5 दिन से अधिक होती है, तो आपको SF-11 मिल सकती है। स्टैंडर्ड फॉर्म 11 के अंदर आपको चार्जशीट मिलती है, वो चार्जेस आप पे इम्पोज किए जाते हैं, फिर आपको उसका रिप्लाई देना पड़ता है। यदि आपकी अब्सेंट 5 दिन से अधिक है और वो अब्सेंट 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन है, तो आपको SF-11 के अंदर गंभीर चार्जेस आप पे लगाए जाते हैं और आपको 10 दिन के भीतर उसका जवाब देना पड़ता है। यदि आप उसका जवाब नहीं देते हैं, तो कुछ टाइम बाद आपको नोटिस सर्व किया जाता है, और नोटिस का जवाब भी नहीं देते हैं और आप फिर भी अब्सेंट चल रहे होते हैं, तो आपको SF-5 में चार्जशीट मिलती है। SF-5 में चार्जशीट मिलना मतलब आपकी जो बेसिक पे है उसको रिड्यूस कर देना, आपका डिमोशन कर देना, आपकी बेसिक पे को परमानेंट कम कर देना, आपके ग्रेड को परमानेंट कम कर देना, यानी कि आप 2400 में काम कर रहे हैं तो आपको 1800 में डाल दिया जाएगा, 1900 में डाल दिया जाएगा, या आप 4600 पे काम कर रहे हैं तो आपको 2000 ग्रेड पे डाल दिया जाएगा, आपकी बेसिक पे रिड्यूस की जा सकती है। साथ ही साथ आपको रिमूवल फ्रॉम द सर्विस भी किया जा सकता है, यानी आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है सर्विस में, यदि आपकी लीव 1 साल 2 साल 3 साल है और आपको नोटिस डिपार्टमेंट दे रहा है, आपको चार्जशीट डिपार्टमेंट दे रहा है, लेकिन आप उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। अब यदि आप अनऑथराइज अब्सेंट हुए हैं, चाहे 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए, और आपको यदि चार्जशीट मिली है, तो आपको चार्जशीट फेस करनी है और विद इन 10 डेज आपको रीजनेबल रिप्लाई देना है। रिप्लाई आप किसी एडवोकेट या लॉयर के माध्यम से दे सकते हैं, या जो भी सर्विस मैटर्स डील करते हैं ट्रिब्यूनल्स के अंदर, उन वकीलों के मदद से आप वो चार्जशीट का रिप्लाई दे सकते हैं। SF-11 यदि रेलवे में मिलती है, तो आपके पासेस रोक सकते हैं, आपके PTOs रोक सकते हैं, आपकी बेसिक पे 1 या 2 साल के लिए रोकी जा सकती है, या आपके जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है बेसिक पे के अंदर इंक्रीमेंट है, वो रोके जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप ट्राइबल के कोई भी वकील या अच्छे वकील हैं, उनसे कंसल्ट करके SF-11 का जरूर जवाब दें। और यदि आपने SF-11 का जवाब नहीं दिया और आपको SF-5 के अंदर चार्जशीट आ गई है, तो मैं आपको कंसल्ट करूँगा, आप खुद से रिप्लाई कभी ना दें, किसी जो अच्छे वकील हैं ट्राइबल के या सर्विस मैटर्स के, उनसे वो रिप्लाई लिखाएं। और यदि SF-5 का भी आपने रिप्लाई नहीं दिया है और उसके बावजूद आपको रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर दिया है या टर्मिनेट कर दिया है, तो आप अपना मैटर लेके कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जा सकते हैं, और वहाँ पे भी आपकी सुनवाई नहीं होती है, तो आप सर्विस ट्राइब्यूनल्स जो होती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कैपिटल्स में होती है या जहाँ पे हाई कोर्ट्स होते हैं वहाँ पे होती है, सर्विस ट्राइब्यूनल्स के अंदर आप अपना मुकदमा लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको किसी टाइप की भी चार्जशीट रिलेटेड कंसल्टेंसी हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने नंबर दे रखे हैं, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप अपनी कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।